ये तो क्या चल रहा है आजकल। मैं हूँ आपका फेवरेट यूट्यूबर। हाय एवरीवन, माय नेम इज अलीना रईस। यार सुमित, तुम तो बस लावा लोन ही करे जा रहे हो। सुपर आर्जर ब्लिंप लावा लोन, उसको छोड़ के कोई और स्ट्रेटजी हो तो बताओ। भाई साहब, आज हम लोग यूज करने वाले हैं वो स्ट्रेटजी जो एकदम स्टार्टिंग में टाउन हॉल 15 पे मैं यूज करता था। स्टार्टिंग में हम लोग क्या करते थे, किसी को याद है? 3 महीने पहले, आज से ठीक 3 महीने पहले मैं यूज कर रहा था सुपर आर्चर ब्लिंप विद इलेक्ट्रो टाइटन। आज हम लोग क्या करेंगे पता है? आज हम लोग इलेक्ट्रो टाइटन की असली पावर देखेंगे भाई साहब। चलेंगे डायरेक्ट गेम के अंदर। और हाँ, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। 2 मिलियन करवाने भाई, कितने सब्सक्राइबर्स बचे पता है? 1.9 मिलियन के लिए सिर्फ 15,000 सब्सक्राइबर, उसके बाद 100 के और चाहिए होंगे, तो करो सब्सक्राइब। चलते हैं गेम के अंदर। ओके भाई साहब, अभी फिलहाल देखो हमारे सामने एक रिंग बेस आ चुका है, डबल पॉइजन स्पेल टावर रखा हुआ है बंदे ने। ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। इसके ऊपर यार मोनोलिथ की साइड से दिक्कत हो सकती है भाई साहब, चारों के चारों हीरोज हैं और मोनोलिथ भी है। पर ईगल साइड से करना पड़ेगा हम लोग अटैक। स्टार्टिंग में हम लोग क्या करेंगे, क्वीन डालेंगे, बलून डाल के सारी की सारी हिलस डालेंगे। उसके बाद गाइज हमारा एम क्या रहेगा पता है? ब्लिम के साथ अपने को सिंगल निकालना है, चाहे कुछ हो जाए। ओके, वापस एक बलून और ब्लिम्प डाल देंगे यहाँ पे। ओके, क्वीन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो रहा है। ओके, तो एक रेज आएगा और ब्लिम के ऊपर एक रेज स्पेल आएगा गाइज। पॉइजन यहाँ पर डाल देंगे। एनिमी ने भी इलेक्ट्रो टाइटन रखा है सीसी के अंदर। चलो सही जा रही है गाइज हमारी क्वीन। यहाँ पर एक बेबी ड्रैगन डालेंगे। ओके चलो काफ़ी सही, बीचेस आएंगे यहाँ पे और सारे इलेक्ट्रो टाइटन्स, हुड्डा भी आएगा। ओके भाई साहब, अभी ये जो हमारे इलेक्ट्रो टाइटन्स हैं ये पूरे बेस को घेर लेंगे और जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे हम लोग जंप डाल के अंदर घुसाएंगे इनको। ठीक है, मतलब आर्मी को अंदर घुसाएंगे। ठीक है, चलो भाई साहब, सारे ट्रूप्स कॉन्सेंट्रेटेड है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे एक रेज, तो हेड हंटर्स डाल देंगे, यहाँ पे एक जंप डाल देंगे, किंग की एबिलिटी, बुड्ढे की भी एबिलिटी। चलो क्वीन लॉक हो चुकी है टाउन हॉल के ऊपर, नाइस गोइंग। यार ये इलेक्ट्रो टाइटन स्मैश वाली ये जो आर्मी है ना, काफी तगड़ी आर्मी है। अगर रिंग बेस या फिर खुला बेस मिल जाए तो, अगर कंपार्टमेंट वाले बेस पे आप लोग करना चाहते हो इस आर्मी के साथ तो थोड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि यार इलेक्ट्रो टाइटन वॉल फोड़ने में बैठ जाते हैं। पर आपको वैसा बेस चूज करना पड़ेगा जहां पे एक या दो जंप में पूरा बेस कवर हो जाए आपका, है ना। तो फिलहाल हमारे पास स्पेल्स बच चुकी है, तो यहाँ पे एक स्पेल डाल देंगे। ओके, अभी भी एक इनवी स्पेल है हमारे पास। वैसे रिंग बेसिस वगैरह इस आर्मी के साथ बहुत इजीली उड़ जाते हैं, मतलब बहुत इजीली। चलो भाई साहब, रॉयल चैंपियन कर रही है हमारा एकदम तगड़ा काम। ओके, आरसी एबिलिटी में मस्त वैल्यू मिल गई हम लोगों को। ये लो गाइस, विचेस के बच्चे जिंदा है जो कि है स्केलेटन्स, और हमारा इलेक्ट्रो टाइटन भी जिंदा है। यहाँ पे दो दो इलेक्ट्रो टाइटन जिंदा है, रॉयल चैंपियन भी जिंदा है, हमारी क्वीन भी जिंदा है, हालांकि कम हेल्थ के साथ बची है क्वीन, लेकिन जिंदा तो है भाई साहब। लो गाइस, ये वाला बेस हमारा हो चुका है यहाँ पे 3 स्टार। काफ़ी सारे कचरा ट्रुप्स हमारे पास बच चुके हैं और 2 इलेक्ट्रो टाइटन जिंदा है, और उसी के साथ गाइस हम लोगों ने कर दिया इस वाले बेस को 3 स्टार। अभी चलेंगे भाई साहब वापस अलग स्टाइल के बेस के ऊपर, वापस अटैक के लिए चलेंगे लेजेंड लीग के अंदर, फिर देखते कैसा टाइप का बेस मिलता है। ओ भाई साहब, ये क्या ही बेस है भाई साहब, टाउन हॉल के पीछे सारा डैमेज रखा। यहाँ पे अगर मैं सुपर आर्चर ब्लिंप लेके आता तो भाई साहब मजा ही आता यहाँ पे। खैर जो भी हो, सुपर आर्चर ब्लिंप तो है नहीं, जो है उसी के साथ करना पड़ेगा अभी अपने को। बहुत ही ज्यादा भयंकर लेवल का डैमेज है, भयंकर। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे फ्लिंगर सेलेक्ट करेंगे, और फ्लिंगर को एक काम करेंगे हम लोग यहीं पर डाल देंगे यहाँ पे आर्चर टावर के ऊपर। ठीक है, उसके बाद एक बलून डालेंगे। ओके, क्वीन डाल के सारी सारी हिलर्स, और ग्रैंड वार्डन को भी यहीं पर डाल देंगे सपोर्ट के लिए, क्योंकि भयंकर लेवल का डैमेज है तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ओके, हेड हंटर, नाइस। चलो भाई साहब, हेड हंटर्स ने ओपी काम कर दिया, टोर्नेडो भी ट्रिगर हो गया, बहुत सही है। लेकिन यहाँ पे स्वीपर है और बहुत खतरनाक डैमेज है भाई साहब यहाँ पे। ओके, कमॉन कमॉन, मिल गया टाउन हॉल, अच्छी बात है। एक वॉल ब्रेकर, ओके भाई साहब, रेज स्पेल टावर ने रेज कर दिया, एक रेज और फ्रीज। ओ भाई, क्वीन मर गई, क्वीन मर गई। सब कुछ इधर ही डालना पड़ेगा अभी अपने को। अबे यार क्या हो गया ये,
भाई मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, इधर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। एनिमी का रेज पहले, हमारा रेज पहले, कुछ समझ नहीं आ रहा। भाई साहब क्वीन कैसे मर गई यार, हद हो गई भाई साहब। और ये जंप मैंने क्या क्या पागलों की तरह जंप डाले भाई, पैनिक में हद है। ये कैसा जंप स्पेल डाल दिया गाइस। भाई साहब ओके, हमारा रॉयल चैंपियन के ऊपर सिंगल लॉक हो चुका है, हद हो गई यार। सिंगल की जगह मल्टी होता ना मजा आ जाता। ओके हिलर जिंदा है इलेक्ट्रो टाइटन्स के ऊपर, बेबी ड्रैगन मस्त क्लीन अप का काम कर रहा है। चलो हिलर जिंदा है और हिलर्स हील करे जा रही है यहाँ पे यार। ये जो दो जंप स्पेल डाले ना पैनिक में, देखो मैंने कैसे डाल दिए भाई साहब जंप स्पेल्स। उससे अच्छा अच्छे से डालता, एक ही डालता और एक जंप स्पेल यहाँ पे अभी इलेक्ट्रो टाइटन्स पे यूज कर लेता, तो इलेक्ट्रो टाइटन्स को एक्सेस मिल जाता हर जगह का। बाप रे ये डिगी तो खतरनाक काम कर रहा है भाई, डिगी खतरनाक काम कर रहा है भाई। क्या ये ट्रिपल है क्या? ओ भाई ये क्या अटैक हो गया यार, ये क्या आर्मी है भाई साहब, मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आया। मेरे को तो लगा कि चलो दो स्टार कर लेंगे सेफ, काफी सही रहेगा। पूरी आर्मी एक जगह पर डाल दी क्वीन मरने का, बहुत ज्यादा पैनिक हो गए हम लोग इस आर्मी के अंदर। तीन इलेक्ट्रो टाइटन्स अभी भी जिंदा बच चुके हैं, बेबी ड्रैगन अभी भी क्लीन अप कर रहा है, विजर्ड है, ग्रैंड वार्डन है और ये अपना डिगी है। खत्म भाई खत्म, क्या आर्मी है भाई साहब ये, गजब मजा आ गया। ओके भाई साहब अभी देखते हैं कैसा बेस, यार ये घटिया बेस क्यों मिलता है भाई, बार बार समझ नहीं आता। ओके भाई ये सुपर आर्जर ब्लिम के साथ तो उड़ जाता है, लेकिन यार इस वाली आर्मी के साथ ना हम लोग करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। सबसे पहले बुड्ढे को डालेंगे, सारी हिलर्स डाल देंगे यहाँ पे बुड्ढे के साथ ना। यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले ये रास्ता बनाना पड़ेगा, जिससे कि ना हमारे ट्रूप्स जो है वो भटके ना, है ना। तो प्रॉपर फनल बना लेते हैं। अबे यार हिलर्स रेज के अंदर है ही नहीं, कैसी रेज डाली है भाई मैंने। चलो आ गई, चलो सही है, काफ़ी सही काम कर रहा है हमारा बुड्ढा। बस इधर से मस्त प्रॉपर फनल बना ले, है ना, हमारा काम बन जाएगा, ट्रूप्स भटकेंगे नहीं। कम ऑन फोड़ दे, कम ऑन, नाइस जॉब। यहाँ पे आइस गोलम, क्वीन आएगी, किंग आएगा, सारे इलेक्ट्रो टाइटन्स आएंगे, विचेस भी इधर से ही आएंगे, बलून्स आएंगे। ओके नाइस गोइंग। ओके यहाँ पे एक वॉल ब्रेक आएगा, चलो सही है, बैट ब्लिंप यहीं से आएगी, काफ़ी सही जा रहा है अभी तक तो। एक वॉल ब्रेकर यहाँ पे आएगा जिससे कि ट्रुप्स बाहर आ सके वहाँ से। चलो बुड्ढे की एबिलिटी सही दे दी, एक रेज स्पेल आएगा, नाइस नाइस, सही जा रहा है। यहाँ पे एक जंप, ओके इनकी एबिलिटी, एक रेड स्पेल, ओके यहाँ पे एक फ्रीज, यहाँ पे एक जंप, देखो ट्रूप्स जंप कर सके। यार अच्छा जा रहा है अटैक काफी। ओके जल्दी से टेक डाउन कर लो मोनोलिथ को भाई साहब। चलो भाई काफी सही जा रहा है, खैर टाइम तो बहुत ही कम है हमारे पास। आरसी डायरेक्ट ईगल से आएगी। ओके अबे यार हम लोग तो एक चीज भूल ही गए, यहाँ पे सीसी तो ल्यूर करा ही नहीं था यार हम लोगों ने। कोई ना यहाँ पे पॉइजन डाल देंगे। ओके नाइस, यहाँ पे किन्वी, और बाप रे गाइस, और कम ऑन मैन। ओ भाई साहब सही है, एक इलेक्ट्रो टाइटन जिंदा है, आरसी भी जिंदा है। कम ऑन आरसी, टेक दैट आर्चर टावर जल्दी से। यार आरसी के ऊपर ये हमारा दूसरा अकाउंट है ना, तो हम लोग इसके ऊपर आरसी के ऊपर ना ये अपना पुराना ही पेट यूज कर रहे हैं। 98, 99, 99% टाइम फेल हो गया, हद है भाई। लेट्स गो गाइस, एक और अटैक के लिए चलते हैं। अबे यार ये तो क्या ही बेस है भाई, अरे यार लेकिन यार ये भी वैसे टाइप का ही बेस है,
जैसा अभी थोड़ी देर पहले हमारी क्वीन मर गई थी वैसे बेस के ऊपर। टाउन हॉल के पास देखो डैमेज बहुत ज़्यादा है ना, तो टाउन हॉल से करेंगे ही नहीं हम लोग अटैक। चलो वो वाला अटैक तो लक साथ में था हमारा, तो जैसे तैसे हो गया अटैक 3 स्टार। लेकिन इस वाले बेस के ऊपर ना पीछे से घुसेंगे हम लोग, एक प्रॉपर रास्ता बना के पीछे से घुसेंगे, क्योंकि मोनोलिथ है, ट्रिपल मल्टी है, डबल स्कैटर है, डबल रेज है, टाउन हॉल इटसेल्फ सीसी भी आएगी पीछे से घुसेंगे तो। ओके, बुड्ढे के साथ फनल बनाएंगे जितना बना सकते हैं, है ना। चलो फ्लिंगर भी अपना मस्त फनल बना रहा है इस साइड से, जिससे कि हमारी जो पूरी मेन आर्मी है, किल स्क्वाड है, वो सेंटर में रहे, कोर में रहे, आसपास ना भटके। तो बुड्ढा इस साइड पे बना रहा है और ऊपर की साइड पे बना रहा है अपना फ्लेम फ्लिंगर फनल। बहुत सही, नाइस गोइंग। चल बुड्ढे निकाल दे बिल्डिंग जल्दी से, ये बात। ओके, फ्लिंगर भी अपना काम कर ही रहा है। आइस गोलम, किंग, क्वीन, इलेक्ट्रो टाइटन्स, बलून्स जाएंगे, एक वॉल ब्रेकर जाएगा, विचेस भी जाएंगी पीछे से। ओके, एक और वॉल ब्रेकर जाएगा, कम ऑन वॉल ब्रेक कर दे भाई, जेब बात। यहाँ पे एक जंप आएगी। ओके, यहाँ पे पहली रेज, नाइस नाइस गोइंग। ओके, ओके बहुत सही जा रहा है, बुड्ढे की एबिलिटी दे दी भाई सही टाइम पे। अरे यार फ्रीज डालना था, गलती से रेज डाल दिया, हद है यार, लोल। कोई ना, आर से डाल देंगे पीछे से बैकअप के लिए। फ्लिंगर फटने का नाम ही नहीं ले रहा भाई आज तो, भाई ये हो जाना चाहिए, कम ऑन फ्लिंगर भाई, फ्लिंगर फटेगा आज, फट ही नहीं रहा यार, कब से जिंदा है भाई। ऑलमोस्ट 2 मिनट फ्लिंगर हमारा जिंदा रहा है, 2 मिनट ऑलमोस्ट। ये लो अभी जाके फटा है, यहाँ पे एक फ्रीज। ओके, इन बलून्स, खत्म है भाई साहब ये बेस, दिस इज अ खत्म बेस। लो भाई साहब क्वीन के साथ भी एबिलिटी है और 2 स्पेल्स बच चुके हैं हमारे पास। और गाइज ये वाला बेस 2 स्पेल्स के साथ इजीली हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया है 3 स्टार, मजा आ गया। ऑन बेबी ड्रैगन, 3 हीरो जिंदा हमारे, बस बारबेरियन किंग मरा है। तो ये हो गया गाइस हमारा 3 स्टार अटैक इस वाले बेस के ऊपर। तो ये थी भाई साहब हमारी इलेक्ट्रो टाइटन स्मैश आर्मी। आज के लिए तो फिलहाल बस इतना ही, और कल शाम 6 बजे मैं लाइव स्ट्रीम करने वाला हूँ यूट्यूब के ऊपर, जहाँ पे हम लोग नॉन स्टॉप टाउन हॉल 15 के प्रो वॉर्स खेलेंगे, और उसी के साथ लाइव स्ट्रीम के ऊपर हम लोग अल्ट वर्ल्ड एक्सप्लोर करेंगे, जहाँ पे आप लोग मेरे साथ मिलके खेल सकते हो। और अल्ट वर्ल्ड में रिवॉर्ड रंबल हो रहा है, जहाँ पे आप लोग अमेजोन के वाउचर जीत सकते हो डेली, और मैं कल स्ट्रीम के ऊपर भी अमेजोन के वाउचर्स गिव अवे करने वाला हूँ, और अल्ट वर्ल्ड के अंदर आप लोगों को मेरे साथ मीट एंड ग्रीट करने का मौका मिल सकता है। तो भाई साहब फटाफट जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, वहां पे जाके डाउनलोड करो और आपका प्रोफाइल बनाओ और रिवॉर्ड जीतने के लिए रेडी हो जाओ। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।